सनातन धर्म में गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है। भारतीय गाय का दूध, गाय का घी और गौमूत्र, यह सारी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभदायक हैं यह तो हर कोई जानता है। सुश्रुत संहिता से लेकर वेदों, शास्त्रों और पुराणों में भी गाय के तमाम उत्पादों और उनके चमत्कारिक लाभ का वर्णन किया गया है। लेकिन हम आपको जो असल जीवन की कहानी बता रहे हैं उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 56 वर्ष के लखन श्रीवादी को 2010 में गले के कैंसर की बीमारी हो गई, जिसके बाद लखन जीने की उम्मीद भी छोड़ चुके थे। लेकिन मरता क्या ना करता, लखन की मुलाकात एक संत से हुई, जिन्होंने लखन को गाय पालने और गौमूत्र और देसी घी का सेवन करने की सलाह दी। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, लखन ने गौमूत्र, देसी घी और गोअर्क का सेवन कर अपने गले के कैंसर की लाइलाज बीमारी को ठीक कर लिया। लखन श्रीवादी अपनी कहानी बताते हुए भावुक हो जाते हैं। मेरा नाम लखन श्रीवादी है, मैं आष्टा का निवासी हूँ जी। मैंने 93 में इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज से MSCH किया जी। इसके बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसका नाम सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है, उसमें मैं काम करता था, खेतीबाड़ी की दवाइयाँ बनाती है। तो मुझे 2010 जून में गले का कैंसर घोषित हुआ मैं, और जो है ये कहाँ आपने जांच करवाई थी, किस जगह? इंदौर में जांच करवाई थी मैंने। हाँ। कहा कि तुम गाय चराओ। हाँ। तो मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, मैं चराओ, गौमूत्र का पान करो। हाँ। गाय का घी खाओ। हाँ। तो मेरे पास दूसरा कुछ उपाय विकल्प था नहीं। हाँ। मैंने जो है 3 साल तक गौमूत्र पिया और गाय का घी विशेष पद्धति से खाया। हाँ। तब जाके मेरी कठान वो जो है गल चुकी थी और मैं स्वस्थ हूँ अब। अच्छा, गौमूत्र और घी के प्रयोग से गाय के? हाँ, हाँ, हाँ। आपने गले का कैंसर ठीक कर लिया? तो गौमूत्र, तो इसमें कितना समय लगा इसको ठीक होने? 3.5 साल का लगा। 3.5 साल में बिल्कुल आप? हाँ। बीच में आपने कोई जांच करवाई उसमें कैंसर निकला? बीच में जांच नहीं करवाई मैंने। हाँ, केवल आपने शुरू में जांच करवाई थी मैंने। हाँ। फिर आखिरी में जांच करवाई तो खत्म हो चुका, कुछ नहीं था उसमें, कुछ भी नहीं निकला। कैसे आप नियमित रूप से प्रयोग करते थे? नहीं, कभी कभी किसी दिन बाहर जाता था तो छूट भी जाता था मेरे से। लेकिन अधिकांश तौर पे आप प्रयोग करते थे? दोनों टाइम लेता था, इसका अर्क लेता था, गो अर्क में लेता था। अच्छा, तो आपने घर में गाय पाल रखी थी क्या? गाय पालना ही पड़ेगा, ताजा देसी गाय का जो जंगल में चरने जाती है। हाँ। उसको धूप मिलना चाहिए 4 घंटे की। हाँ। उसका गौमूत्र ज्यादा काम करता है। ठीक है, तो अभी आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ। आपका गले कैंसर बिल्कुल ठीक हो चुका है? बिल्कुल ठीक है अभी। अच्छा, तो क्या उम्र है आपकी? मैं अभी 56 ईयर, 56 साल का आदमी हूँ। अच्छा। और 2010 जून में घोषित हो गया था, चाहता था 3 साल में मैं मर जाता, लेकिन गाय मेरी दूसरी माँ है जिसने नया जन्म दिया मुझे। अच्छा, ठीक है। मेरे लेक्चर भी होते हैं यूनिवर्सिटी में होते हैं। हाँ। गोबर गौमूत्र पे। हाँ। और महाविद्यालय में होते हैं, स्कूलों में मेरे लेक्चर होते हैं इसके ऊपर जी। तो उससे नई पीढ़ी को बहुत लाभ हो रहा है कि गाय का विज्ञान, गोबर का विज्ञान क्या है, गौमूत्र का विज्ञान क्या है, दूध दही घी का विज्ञान क्या है, ये बच्चों को अभी मालूम नहीं है। ठीक है, अभी आप क्या काम करते हैं? अभी मैं बस यही गोबर गौमूत्र ही बेच रहा हूँ, आपके सामने स्टॉल लगा है। आपने, आपको जो लाभ हुआ आप दूसरों को भी देना चाह रहे हैं? बता रहा, जब से बताता आ रहा हूँ मैं। ठीक है, एक बार शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम लखन श्रीवादी है। मेरा मोबाइल नंबर 8838976122 है। निवास मेरा आष्टा, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश। धन्यवाद। नमस्ते।